लेकिन लोग बस इतना ही समझते हैं और कैमरा उठा के कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ, बट ऐसे नहीं करना है। इसमें स्पॉन्सरशिप भी मिलने लग जाते हैं अगर आपका चैनल चलता है। अब आप क्यों नहीं होते सफल वो बताता हूं, क्योंकि आपकी आज के टाइम में लोग व्लॉग देखना बहुत पसंद करते हैं और काफी सारे व्लॉगर हैं वो यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी, यार हम भी व्लॉगर बन जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि बहुत सारे ब्लॉगर लोग बनते तो हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके चल के पीछे उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती और एक्चुअल में उनको यही नहीं पता होता कि ब्लॉग में भी एक निश होता है, उस निश को हम कैसे पकड़े, तो ब्लॉग में कितने प्रकार के निश होते हैं, उन पे आप कैसे काम कर सकते हैं, वो प्रॉपर गाइड करूंगा आज की इस वीडियो में। और आपको पता चलेगा कि आपको ब्लॉग तो बनाना है लेकिन किस पर्टिकुलर निश पे आपको चैनल को लेके जाना है और ग्रो करना है। ये वीडियो अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं और वो भी सफल ब्लॉगर, तो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि YouTube से रिलेटेड काफी यूजफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ऑन इट। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में व्लॉग है क्या। तो देखिए पहले क्या होता था कि लोग अपने जो एक्सपीरियंस थे, अपनी जो अभिव्यक्ति थी, वो लिखा करते थे ब्लॉग में, वहां बी होता है, ब्लॉग लिखा करते थे। अब जब वीडियो में वो चीज करने लगे तो वीडियो प्लस ब्लॉग इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया व्लॉग, यानी कि आप कैमरा उठा के या मोबाइल उठा के ऐसे आप बात करेंगे, लोगों को बताएंगे और वो हो जाएगा एक व्लॉग। लेकिन लोग बस इतना ही समझते हैं और कैमरा उठा के कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ, बट ऐसे नहीं करना है। व्लॉगर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा लोग व्लॉग बनाते हैं लेकिन कुछ लोग सफल होते कुछ नहीं होते। अब आप क्यों नहीं होते सफल वो बताता हूं, क्योंकि आपकी व्लॉग चैनल को लेकर कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती और आपको अपना निश भी क्लियर नहीं होता। तो देखिए व्लॉग तो इसको कहते हैं कि आपने कैमरा उठाया और आप कुछ भी बताने लग गए, लेकिन इसमें काफी सारे निश होते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से इसमें अलग अलग निश होते हैं। देखिए जब भी आप व्लॉग करें, तो आज के टाइम में व्लॉग पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, तो सबसे पहले तो एक अपना माइक्रो निश पकड़ लीजिए। अब ये माइक्रो निश पकड़ेंगे कैसे, तो देखिए व्लॉग कई तरीके के बन सकते हैं। जैसे पहला जो व्लॉग होता है वो होता है कि आप अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताएं, इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो हमारी लाइफ अगर कुछ इतनी इंटरेस्टिंग है कि लोगों को देखने में मजा आएगा, और हमारे ब्लॉग में या तो मैं खुद हूं या कोई मेरा बच्चा है या कोई भी है जिस ब्लॉग में मैं जिसको इंक्लूड कर रहा हूं, उस करेक्टर के इमोशन से ऑडियंस का इमोशन कनेक्ट हो जाए, और जैसे जैसे हमारी लाइफ की स्टोरी आगे चलती रहेगी, जो हमारे करेक्टर से वीडियो में उसकी स्टोरी आगे चलती रहेगी, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। इसको बोलते हैं हम लाइफ स्टाइल ब्लॉग। हम डेली कर सकते हैं, जो भी हमारी लाइफ है, जो भी है, वो सब हम शेयर करेंगे और वो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, लोगों को आदत पड़ जाती है इस चीज की। ये होता है एक तरीके का ब्लॉग। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के ब्लॉग की। ये बहुत सारे तरीके, सारे क्लियर करूंगा। दूसरे तरीके का ब्लॉग है ट्रैवल ब्लॉग। आप ट्रैवल करते हैं, आप इंडिया में ट्रैवल करते हैं और जगह जगह आप जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैं आज केरला आया हूं, यहाँ पे मैं मुन्नार में हूँ, मुन्नार में ये मौसम है, ये चीजें, यहाँ पे मैंने ये फील किया, वो फील किया, अपना वहां का उस प्लेस का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर देते हैं। इसको कहते हैं हम इंडिया ट्रैवल ब्लॉग। एक होता है इंटरनेशनल ब्लॉग। आप इंडिया के लेकिन इंटरनेशनल घूमते हैं, कभी आप वियतनाम जाते हैं, कभी बैंकॉक जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, और फिर वहां का जो कल्चर है, वहां पे जो आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, वो आप शेयर कर रहे हैं। तो ये तीन निश हो गई। अब करते हैं चौथी, ये होता है फूड ब्लॉगिंग। आप फूड के शौकीन है, आपको फूड की नॉलेज है, आप फूड को खा के उसके बारे में एक रिव्यू कर सकते हैं, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जा सकते हैं, किसी भी आप होटल में जा सकते हैं और वहां पे जो भी फूड है उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, फूड के बारे में बताइए कि हाँ ये फूड मिलता है, इसका बनाने का तरीका ये है और इसका ये टेस्ट है, ये है, वो है, सब कुछ। उसको कहते हैं फूड ब्लॉगिंग। इस फूड के अंदर एक और माइक्रो निश है और वो है स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग। देखो इंडिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड खाया जाता है, ठेलियों पे, रेडियो पे, पटरियों पे, बहुत सारे स्टॉल्स पे अलग अलग तरह के स्ट्रीट फूड मिलते हैं। इवन मैं तो ये कहूंगा आप डिस्ट्रिक्ट भी चेंज कर देंगे तो आपका स्ट्रीट फूड भी चेंज हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ और माइक्रो निश में चल जाइए और सिर्फ स्ट्रीट फूड के बारे में बात कीजिए कि देखिए इंदौर में यहाँ पे इस रेडी पे ये मिलता है, यहाँ पे ये भाई साहब यहाँ धकेल लगाते हैं, यहाँ पे ये भाई इस पटरी पे ये बेचते हैं, या यहाँ पे इस तरह की चाउमीन बनती है। ये हो गया स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग। और इसमें और अंदर चले जाते हैं, एक होता है ट्रैवल गाइड। यहाँ पे क्या होता है कि मैं ट्रैवल करने जाता हूँ, मान लो सपोज मैं गोवा गया, अब मैं गोवा गया और मैं यहाँ लोगों को गाइड कर रहा हूँ, यानी लोग मेरा व्लॉग देख के, मेरी जो ऑडियंस है वो व्लॉग देखकर घूमना चाहती है, तो उनको चाहिए गाइडेंस। तो अब मैं गोवा गया और वहां पे ट्रैवल गाइड हूँ। पहले वाला था ट्रैवल व्लॉग, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अब है ट्रैवल गाइड, मैं ट्रैवल गाइड हूँ, मैं लोगों को बता रहा हूँ आप गोवा कैसे घूम सकते हैं, यहाँ पे कितने रुपए खर्च होंगे, कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे खा सकते हैं। वो होता है गाइड करना, आइटनरी बना के बताना कि आप इतने दिन आपको लगेंगे, पहले दिन आप यहाँ आ जाओ, दूसरे दिन यहाँ आ जाओ, तो जिनको वहां पे घूमना होगा वो आपका वीडियो देखेंगे और ये सर्चेबल कंटेंट है। मैं भी बहुत घूमता हूं तो ये चीजें सर्च करता हूं। इसके अलावा और माइक्रो निश में जाते हैं,
एक होता है कि आप सिर्फ जो आध्यात्मिक प्लेसेस होते हैं आप वहीं जाते हैं, जैसे आप मंदिरों में जाते हैं, बस मंदिरों की बात करते हैं कि यहाँ पे ये वाला मंदिर है, यहाँ पे ये वाला मंदिर है, इसमें ऐसे आरती होती है, ऐसे दर्शन होते हैं, दर्शन का तरीका है, आप वहां कैसे पहुंच सकते, आप बस आध्यात्मिक वाले में बात कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी एज ज्यादा है तो आप ये मंदिर वाला भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें टेम्पल्स वगैरह जितने भी जो अपने धार्मिक प्लेसेस होते हैं इनके बारे में आप व्लॉग बनाते हैं और जो लोग वहां पे जाना चाहते हैं वो उनको देखेंगे। हो सकता है यूथ थोड़ा कम देखे बट एजेड लोग बहुत ज्यादा ये चीज देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी मदर को भी बहुत ज्यादा ये सब देखते हुए देखा है कि वो ये वीडियोस इस तरह के देखती हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो ये भी एक व्लॉग का कैटेगरी हो गया। इसके अलावा अगला जो आपका निश होगा वो होगा मार्केट व्लॉग करना, यानी बहुत सारे मार्केट इंडिया में बहुत फेमस है, जैसे दिल्ली का सरोजिनी नगर बहुत फेमस है, दिल्ली का गांधी मार्केट बहुत फेमस है, सूरत का कपड़ा बाजार बहुत फेमस है। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, पर्टिकुलर शॉप पे जाएंगे और वहां पे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े कितने अच्छे अच्छे मिलते हैं, कितने सस्ते मिलते हैं, क्या क्या प्राइस में मिलते हैं। इसमें स्पॉन्सरशिप भी मिलने लग जाते हैं, अगर आपका चैनल चलता है तो जो शॉपकीपर है वही आपको पैसे देके अपने वीडियो बनवाते हैं। तो ये होता है मार्केट व्लॉग और ये भी बहुत ज्यादा चलता है। जैसे मान लो मेरे को दिल्ली जाना है, अब मेरे को मान लो गांधी मार्केट से कुछ खरीदना है और वहां पे कोई बता दे कि भाई देखो ये गांधी मार्केट में यहाँ पे ऐसे ऐसे मिलता है, ये सदर बाजार में यहाँ पे मिलता है, टॉय मार्केट है टॉय मिलते हैं। तो ये होता है मार्केट व्लॉग, ये भी बहुत ज्यादा चलता है। अगली बात करते हैं, अगला होता है बिहाइंड द सीन। इस बिहाइंड द सीन व्लॉग में क्या होगा कि आप कुछ भी ऐसा काम जो निकल के आया, कोई मूवी बनी है, कोई वेब सीरीज बनी है, किसी क्रिएटर का ही वीडियो कैसे बनता है, इसके जो बिहाइंड द सीन होता है आप उसका व्लॉग करते हैं कि भाई टेक्निकली होगी कैसे अपना वीडियो शूट करते हैं, ये भी एक बिहाइंड द सीन हो सकता है, ये फिल्म कैसे बनी है, इसका क्या बिहाइंड द सीन है, कहां पे इसका, ये होता है एक बिहाइंड द सीन व्लॉग। अगला जो व्लॉग है वो आप कर सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में बता सकते हैं कि भाई यहां से यहां तक एक वॉल्वो बस चलती है, इसकी जर्नी का क्या एक्सपीरियंस है, यहां पे विस्टा डोम कोच का रेल चलता है उसका क्या एक्सपीरियंस है, ये फ्लाइट है तो इस फ्लाइट का क्या एक्सपीरियंस है। और ऐसे व्लॉग भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए मुझे दिल्ली से शिमला जाना है तो मैं जरूर देखूंगा कि दिल्ली से शिमला मैं पहुंचूं कैसे। अगर आपने मेरे को एक वीडियो में बताया कि भाई एक वॉल्वो बस है बहुत अच्छी सुविधा के साथ दिल्ली से चलती है और शिमला जाती है, तो मैं आपका वीडियो देखूंगा और उस बस को बुक भी कर लूंगा, वहां से आपको रेफरल भी मिल जाएगा, आप बहुत सारी एप्लीकेशन से ऑनलाइन बुक कर सकते हो, उसका आप लिंक वीडियो में डाल सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके का व्लॉग होगा, आप जर्नी के बारे में बताते हैं कि जर्नी आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी बस का कैसा एक्सपीरियंस है, कौन सी ट्रेन का एक्सपीरियंस अच्छा है, एसी फर्स्ट कोच कैसा होता है दुरंतो का, राजधानी का कैसा होता है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ट्राइबल व्लॉग भी कर सकते हैं, जो जितनी भी ट्राइब है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ट्राइब पे जाके वहाँ पे कल्चर को बता सकते हैं कि कैसे वहाँ का कल्चर है, किस तरह से ट्राइब अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, ये ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक अगर आप विलेज में रहते हो तो आप विलेज के कल्चर के बारे में व्लॉग बना सकते हैं कि विलेज का कल्चर कैसा होता है, कैसे लोग वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, कैसे वहाँ पे रहते हैं, और इस तरह के व्लॉग भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा आप बहुत तरह तरह की जो अलग अलग होटल्स होती है आप इन पर भी एक व्लॉग बना सकते हैं कि भाई देखिए दिल्ली में ये 5 होटल्स हैं, कौन कौन सी बढ़िया होटल है, या मुंबई में एक ये होटल है, जितनी भी होटल्स हैं इंडिया में उनका आप रिव्यू कर सकते हो, वहां पे जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, जस्ट होटल्स के बारे में आप बता रहे हो कि ये होटल ऐसा है, ये ऐसा रिजोर्ट है, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तो इस हिसाब से देखो कुछ में आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा, कुछ में पैसा खर्च नहीं होगा, तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक निश चुन सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे निश हो सकते हैं जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऐसे व्लॉगिंग के बहुत सारे निश है, ऐसे आप एक माइक्रो निश पे काम करेंगे तो आपके पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस जुड़ेगी और आप कंटिन्यू उसी निश में काम करते जाएंगे तो आपका व्लॉग चैनल चल जाएगा। अब देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है तो इसे बीट करने के लिए अब एक निश में नहीं बल्कि माइक्रो निश में जाके आपको काम करना पड़ेगा और आपको अपनी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रखनी पड़ेगी, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ेगी। बाकी आप मुझे बताइए आप कौन सी माइक्रो निश में अपना ब्लॉग बनाते हैं या फिर जो मन में आया बस वही डाल देते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह का कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।